देखो भाई, मैं सच बोलता हूँ, पूरी अपने आप लग जाती है। फोटो खींचो, यही अच्छा लग रहा है मुझे। बता, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मतलब शेडिंग जैसे कोई एरिया की लैंडस्केप बनाया मैंने। देखते हैं क्या मैं सफल हो पाऊंगी, क्या मुझे किताबें मिल जाएंगी। जानने के लिए धारावाहिक लिटिल कर्व देखते रहिए। गाइस वेलकम बैक, और अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ आदित्य को नहीं जाना है ना। यू हेट इट बट आई लाइक इट, एंड टुडे मेरा मेकअप इतना अच्छा है, आई एम लाइकिंग इट। प्लस अब मैंने इस बाल को सॉर्ट आउट कर लिया है बाय हैविंग टू टिक टैक पिंस, तो अब ये कुछ सॉर्टेड है। टुडे आई एम अप्लाइंग दिस मामा अर्थ काजल ब्राउन कलर में। इसमें ब्राउन, ब्लू, ब्लूइश और एक ग्रीनिश कलर में आता है। दिस इज रियली वेरी नाइस, इट्स मच प्रूफ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे फिंगर पे ना मैंने लगाया था देखने के लिए कि कौन सा शेड है। और अगर आप इसको एक सेकेंड पकड़ी हुआ देता तो देखो, ये मैंने ग्रीन कलर, इट ग्लाइड्स सो नाइसली एंड जस्ट लेट इट ड्राई एंड देन यू सी। थोड़ा सा स्मज हुआ क्योंकि ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। वंस इट इज ड्राई ना तो ये बिल्कुल स्मज नहीं होता। दिस इज रियली वेरी वेरी नाइस। तो एक ग्रीनिश कलर है, एक ब्लूइश ब्लैक है, एंड द वन विच आई एम वेयरिंग टुडे इट्स द ब्राउन वन। सी सी दिस वन, आई हैव अप्लाइड दिस एंड इट्स रियली वेरी नाइस। मतलब स्मज प्रूफ भी है एंड इट इज वाटर प्रूफ, सो बहुत अच्छा एंड इट्स अफोर्डेबल। दिस इज मेड इन इंडिया, सेफ, ओके, एंड लुक एट माई आईज, दे आर लुकिंग सो नाइस। तो मैं इसको ना रात तक देखती हूँ अगर ये स्मज हुआ, क्योंकि मेरी आईलेट्स बहुत ऑयली रहती हैं, तब देखेंगे। तो इसे टेस्ट करते हैं, और अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो आदित्य को बिल्कुल नहीं पसंद बट मुझे बहुत पसंद है, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, गेस किया है तो ज़रूर बताना, बट आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने गेस किया होगा उतना, है ना आदित्य, कोई गेस कर सकता है। एंड वॉट एम आई वेयरिंग, लेट मी शो यू OOTD. So this is a maxi dress which I am wearing, which I got from GKM block. हाँ, और मैंने ये सिंगापुर में भी पहनी थी। It's a very nice flowy maxi dress. तो आदित्य मेरा मोबाइल निकालियो, आज मेरी अर्ली प्रेगनेंसी क्लास थी तो वो ख़त्म की और मैंने कुछ वीडियो शूट्स की, ये तो आके ही मैं संभलेगा। चलो, बहुत दिन हो गए हमारे घर पे कोई आया नहीं आदित्य। अरे मैं इतनी डार्क क्यों हो गई हूँ अगेंस्ट द लाइट। हाँ, बहुत दिन हो गए हमारे घर पे कोई आया नहीं, जैसे ही हमारे घर पे कोई बोलता है ना कि हम आ रहे हैं, हमारे घर शक्तिमान की जैसे ठीक हो जाता है। सो ये यहाँ पे सारा रश है, लुक एट दिस, यहाँ पे अंदर बिल्कुल इतना ज्यादा रश है यार, पार्किंग पूरी फुल है और हम कहाँ हैं, प्रगति मैदान टू बाय बुक्स, तो बुक फेयर, पुस्तक मेला लगा हुआ है प्रगति मैदान। Actually, में तो मेरा पुस्तकें हाँ। लेनी थी तो पुस्तक लेने के लिए यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग एकदम खचा खच है और बाहर भी बहुत रश है। एक्चुअली वो बहुत एडुकेटर की बुक्स कुछ देखनी थी मुझे। संडे भी तो है ना आज यार, क्योंकि कल ही तो स्टार्ट हुआ है तो ऐसे ही अभी करेंगे कि किसी वीकडे में आ सकते हैं। कल तो मेरी क्लास है, मेरे को लगता है ट्यूसडे को कर लेंगे आदित्य। अभी कित चलना है, कित चलना, कित चलिए, कित चलिए, चल चलिए यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी यार। चलो यार अब कहीं और देखते हैं, कहीं और हांटते हैं, बट देखेंगे यार। मैं ट्यूसडे का एक बार डायरी में देखती हूँ, फिर जल्दी आ जाएंगे क्योंकि फिर बाद बाद में सब लोग उठा लेंगे। सो यस, हमारा वहाँ तो नहीं हो पाया जाना, सो वी हैव कम टू धान मिल। पता नहीं ये जगह बहुत सुनी थी इंस्टाग्राम पे, मुझे पता नहीं है कि कैसी है। इसमें तो वो है वो पेंटिंग वाला, कौन पेंटिंग वाला, वो कैफे, वो ऐसा, हाँ घटिया वाला, कैसे वाला घटिया पाल। तो तुम्हें कहाँ जाना है फिर, हाँ क्या जी, तो तुम्हें कहाँ जाना है जी, क्या हाथ पे जी, क्या है ये मैं देख रही हूँ ना कि ये होता है स्मज टेस्टिंग। हम्म,
सो अच्छी जगह है, बोगन मिला अच्छा है, या कह रहे अच्छे से मुझे तैयार क्यों नहीं करके लाई, तुझे पता था तो ये जगह आनी है यार, खुद को तैयार होने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरे क्या कराना है? मुझे क्या पता था यार, ये क्या भाई गलत बात है, तुम कौन से गंदे लग रहे हो, वैसे तो मैं अच्छा ही हूँ मुझे पता है, अच्छे से तैयार हो जाए फिर क्या बन, क्या डालते तुम ब्लू कलर के टी शर्ट में, यहाँ पर स्ट्राइप होता और क्या डिफरेंस आता तुम्हारी टी शर्ट में फिर भी, और हाँ चलो बताइयो और क्या ग्रूमिंग के लिए करते थे, बस कुछ नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स, थोड़ी दाढ़ी कराते, थोड़े बाल और टॉप नॉर्मल की तरह ऐसे होते, एनी अदर एफर्ट्स, वही तो इट्स अ नाइस प्लेस, मुझे अच्छी लगी, क्यूट है, बट अभी हम जहाँ जाने वाले हैं द पैलेट ना, पैलेट ही था ना, द पैलेट, वहाँ पे ना अभी हाफ एन आवर का रश है, सो वी आर जस्ट वेटिंग कि आ जाए, और फिर आज हम पेंटिंग करेंगे, व्हाट यू विल ड्रॉ, मैं कुछ नहीं, मैं तेरे को देखूंगा, नहीं तेरी वीडियोस बनाएंगे हम दोनों करेंगे यार, आदित्य मेरे को नहीं आती ना, क्या हो गया तुम्हारी इमेजिनेशन तो है ना लाइफ में, नहीं गाय बनाई थी ना तुमने तो फिर भी तो इस आज देखते हैं किसकी पेंटिंग ज्यादा अच्छी है, फिर भी वी शुड डू सच क्रिएटिव थिंग्स, क्या मोबाइल देखना टीवी देखना, तो वो एक्टिविटी करने के लिए भी पूरे टाइम मोबाइल ही देखते हैं, क्योंकि बिना वीडियो बनाए तो वो पेंटिंग का कोई फायदा नहीं ना करने का, वीडियो बनाओ स्टोरी डालो तो फिर वो एक्टिविटी का ये चीज का ज्यादा रहता है, अरे बस सोशल मीडिया पे डाल देखो भाई मैं सच बोलता हूँ, पूरी अपने आप लग जाए, फोटो खींचो भगवान किए जा रहे हो ऐसे ही होता है, मैं तो देखो सच बोल, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा डिटॉक्स के लिए माइंड मिलता है, टाइम मिलता है टू बी एनहांस योर क्रिएटिविटी, डिटॉक्स के लिए माइंड मिलता है, नहीं नहीं टाइम मिलता, टाइम मिलता है, कितने गंदे हो यार, लेकिन नहीं आना चाहिए तुम्हें, माली बनी नहीं होगी ऐसी, अच्छी बात, अरे यार कब मिलेगा हमें टेबल, हमारी फोटो एक फोटो खींचते चलो, नेचुरल कैंडिड आदित्य ने तो कैंडिड वो कितनी अच्छी आई, क्यूट आई यार, फिर से की बहुत अच्छी आई है, वैसे तेरी शेडिंग मस्त है, ये कलर्स, ये जो कलर्स है ना बहुत अच्छे हैं, सो गाइस हम आ चुके हैं लड़के, ये किसका ऑट है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और ये किसका आर्ट है, ये ही अच्छा लग रहा है मुझे, पता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मतलब शेडिंग जैसे कोई एरिया की लैंडस्केप बनाया मैंने तो अभी आपको समझ आ गया होगा किसका क्या है, और हमारी मतलब लड़ाई तो हुई है, एक मिनट, तो ऑल राइट,
ये था अभी तक, देखिए स्मज बिल्कुल नहीं हुआ है, इफ यू सी। हाँ यार स्मज नहीं हुआ है, दिस इज अ नाइस वन। सो सी आई हैव कम होम और अभी भी आप देखो ये स्मज नहीं किया है। सो दिस काजल इज रियली वेरी वेरी गुड एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम मामा अर्थ वेबसाइट और एल्स नायका purple.com फ्लिपकार्ट फर्स्ट क्राई पे उनके बेबी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सो यू कैन एंड अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कर्व्स 2023 सो यू विल गेट 20% ऑफ इफ यू बाय इट फ्रॉम देयर वेबसाइट। नायका ऑल्सो हैज इट। सो बाय, दिस इज रियली रियली वेरी वेरी नाइस काजल। इट ग्लाइड्स वेरी ईजिली एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट्स नाइस। एंड इन केस इफ यू बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट, दे लिंक योर प्रोडक्ट टू grow a sapling and they have a target of growing 1 million tree by 2025. So that's a good initiative. It's a plastic positive brand as well as these products are chemical free, okay, chemical as in harmful chemicals I would say, and paraben free, so that's also a good thing. So you can buy this, it's very good. They're फाउंडेशन इज बेस्ट एंड देयर काजल इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मुझे ये दो प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे लगते हैं। एंड येस अब ये व्लॉग ना मैं कल थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी, मतलब जब प्रगति मैदान फिर से जाएंगे, क्योंकि आज तो हो नहीं पाया, बट फिर मैं वीकडे पे जाके ना दिखाऊंगी। आई रियली वॉन्ट टू चेक सो फॉर द बुक्स एंड लेट मी गो लाइव टूडे फॉर सम टाइम सो दैट ठीक है। ओके गीजर वीजर तो बंद है ना। हाय एवरीवन, ये क्या हो गया? हाय एवरीवन, सो कल की सवारी तो नहीं जा पाई, कहाँ पे प्रगति मैदान, तो आज फिर हमने धावा करना है प्रगति मैदान में। एक मिनट गीजर बंद है कि नहीं पहले वो देख लूं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। चलो आज चलते हैं, देखते हैं क्या मैं सफल हो पाऊंगी, क्या मुझे किताबें मिल जाएंगी। जानने के लिए धारावाहिक लिटिल कर्व्स देखते रहिए। आज मेरे हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही खुश हैं। चलिए पतिदेव। अरे यार रोज काली हो जाती हूँ, यहाँ आती हूँ तो एकदम ये पर्दा लगाना, एक तो प्रेस वाला हमारा आया नहीं, आज लेके गया ना। ये हमें मलवा घर पहुंचाना है, कोई घर हमारे आ जाओ, जल्दी आ जाओ मम्मा पापा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आ जाओ। क्योंकि दो कंसिस्टेंट व्यूअर्स तो है ही हमारे, एक है मेरी अम्मा और एक है आदित्य की अम्मा। हाँ 22 पे आ गई, रुक गई लिफ्ट, बहुत अच्छे। अभी कितना टाइम लगेगा प्रगति मैदान जाने को? जो भी अभी इस टाइम पे 40 मिनट्स तक लगेंगे। क्या पकड़ियो रागी में इतना देख, इतना दूर। हाँ अब हाइट के हिसाब से बोलो कुछ। हाँ मैं डिंगी नहीं हूँ, ये है कि ये बहुत लंबा है। चल रही है बंदे लिफ्ट? चल तो रही है। फील हो रहा है? नहीं अच्छा है ना, ऐसी लिफ्ट अच्छी होती है ना, बुर्ज खलीफा जैसी लिफ्ट है। सो हम अंदर आ चुके हैं एंड द टिकट इज 20 रुपीज पर पर्सन। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा पवेलियन कौन सा है? ये 5 नंबर 2, 5, 4 पर पहले बहुत बड़ा होता था आदित्य, जो फर्स्ट टाइम आए। अभी भी अंदर से चल पता चलेगा ना, यहाँ सब लिखा है। देख किस कैफे में। हाँ ये लो पकड़े।
यू सी ये सारे बुक्स कहाँ हैं? लेट्स सी, पैर दुख गया यार। ये धनिया मिर्च, ये नारियल, नारियल की चटनी के लिए, और ये कुछ बुक्स हैं विच आई गॉट, एंड द मेन इज दिस। एक पीतमपुरा में कोई बुक सेलर है एंड उन्होंने अपना पवेलियन नहीं, एज एन स्टोर लगाया हुआ था, एंड आई गॉट ऑल दीज बुक्स। सो सम आर इंडियन ऑथर्स विच आई रियली लाइक, के कुछ इंडियन ऑथर्स थे, बट दीज आर ऑल द बुक्स आई गॉट इट फ्रॉम, वन बुक इज़ फ्रॉम नूतन समथिंग इंडियन ऑथर्स एंड दोज आर चाइल्ड बर्थ एडुकेटर्स ओनली आई थिंक सो। अच्छे से पैकिंग करके दी, बट पूरा घूमने की क्षमता नहीं थी क्योंकि ये बुक्स के साथ कौन घूमता, जितना भी घूमे बहुत घूमे। तुमने नहीं कोई बुक्स देखी? हाँ, बुक्स क्यों नहीं देखी, इतनी बुक्स देखी मैंने। क्या अपने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की देखी मैंने, दूर से देखी थी। हाँ दे, मुझे भी पानी दे दो यार। आदित्य हमने शादी में वो कैसे खोला होगा यार, इतनी गांठों वाला। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो, मेरे तो फिर भी बहुत शरीफ थे भाई, मेरी बहनें इतनी शरीफ थी, बहुत कम गांठें बांधी थी, तुम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा गांठें बांधी थी। और तुमने खोली थी यार, कैसे खुलती हैं ये देखो। हाँ तो मेरे पापा ने वैसे ही वार्निंग दी थी, नहीं खोलेगा तो खुशबू को हम अपने ही रूम में सुनाएंगे। तो हाँ, दीज अनबॉक्सिंग ऑफ बुक्स, ये एक थी। दिस इज ऑन ब्रेस्ट फीड बिकॉज आई एम डूइंग लैक्टेशन कंसल्टेंट कोर्स। पासपोर्ट, एक बुक पे ना वहाँ ही बुक रह गई है, उस पे नाम बहुत अच्छा लिखा था, आई एम प्रेग्नेंट नॉट इल यू इडियट, ऐसे करके बुक का नाम था। दिस इज फ्रॉम डॉक्टर गीता अर्जुन। एंड एक और बुक थी ना जो बहुत अच्छी थी, फ्रॉम नूतन पंडित। सो दिस इज फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, नेशनल चाइल्ड बर्थ ट्रस्ट। ओके यार, तो मतलब बहुत पढ़ाई करनी है जीवन में, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, आई हैव टू स्टडी एंड सी माई लिस्ट, के मेरी लिस्ट में ये सारी बुक्स कोई ना कोई तो बुक होगी जो मुझे कॉलेज से लिस्ट मिलती है ऑफ रेफरेंसेस, तो उसमें भी मैं देखूंगी। एंड दिस बुक, ईच बुक कॉस्ट समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट बिकॉज दे आर नॉट इंडियन ऑथर्स, दे आर ऑल अब्रॉड बेस्ड ऑथर्स, तो पर मुझे थोड़ी डिस्काउंट में मिल गई। तो हमने शिखा को बोला था कि थोड़ा लेट आना क्योंकि हम गए हुए थे वहाँ, बट अब हम आ गए हैं, तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। खुशी वेलकम। ऑल राइट, मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करूँगी बिकॉज मैं बहुत थक गई, इतना बड़ा वो था ना प्रगति, बट इस बार मुझे फिर भी कम रश लगी एज कम्पेयर टू मैं इससे पहले गई हूँ। मे बी आज वीकडे था तो इसलिए हो सकता है। एंड या आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।